हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कफ कोल्ड और एलर्जी कंडीशन को ट्रीट करने के काम में आने वाली एक मेडिसिन मैकबेरी कफ सिरप के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे इस कफ सिरप का कंपोजिशन क्या है, इसके यूजेस के बारे में और इस सिरप का यूज करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और इसके साथ ही बात करेंगे इस मैकबेरी सिरप के डोजिंग शेड्यूल, मतलब इसे कितनी क्वांटिटी में और कितनी बार लेना चाहिए और इस सिरप से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस मैकबेरी कफ सिरप के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इस मैकबेरी कप सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कप सिरप में डेक्सट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड 10 mg, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 mg, क्लोरामफेनिकल मैलेट जिसे शॉर्ट में CPM भी कहा जाता है 2 mg, फेनेलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg और मेंथॉल 1.5 mg का यूज किया गया है, जो कि एक गुड कॉम्बिनेशन है कफ, नेजल डिकंजेशन और एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। अब अगर थोड़ा और डिटेल्स में बात करें तो इस सिरप में डेक्सट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड का यूज किया गया है, जिसका यूज मेनली ड्राई कफ को, मीन्स जिस खांसी में बलगम नहीं आता, उस तरह की सूखी खांसी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अब इस सिरप में सेकेंड मेडिसिन एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड का यूज किया गया है, जो कि एक तरह का म्यूकोलाइटिक एजेंट है और इसका यूज रिस्पायरेटरी ट्रैक में जमे हुए बलगम को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। अब अगर बात करें इस सिरप में यूज हुई अदर मेडिसिन की, तो इस सिरप में थर्ड मेडिसिन क्लोरामफेनिकल मैलेट 2 mg का यूज किया गया है। ये एक तरह का एंटीहिस्टामाइन ड्रग होता है, जिसका यूज सर्दी, रनी नोज और एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इस सिरप में फोर्थ मेडिसिन फेनिलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है। ये एक तरह का नेजल डिकंजेस्टेंट मेडिसिन है। इस सिरप में इसका यूज नेजल डिकंजेशन, गले में होने वाली खराश, जकड़न या और भी कई तरह के कॉमन प्रॉब्लम जैसे कि एलर्जिक कंडीशन, कॉमन कोल्ड और ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आसान भाषा में कहें तो इस सिरप में वैसी सभी दवाएं मौजूद हैं जो सूखी खांसी, गले में खराश, सर्दी और एलर्जिक कंडीशन जैसी कई प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जाना इस मैकबेरी सिरप के कंपोजिशन और इसके यूजेस के बारे में। आइए अब बात करते हैं इस सिरप के डोजिंग शेड्यूल के बारे में कि किस उम्र के व्यक्ति को मैकबेरी सिरप की कितनी ml क्वांटिटी दिन में कितनी बार लेनी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सिरप में डोज मेजरमेंट के लिए कैप लगी हुई है, जिसमें 2.5 ml, 5 ml, 7.5 ml और 10 ml की मेजरमेंट मार्किंग बनी हुई है। और इस सिरप की रिकमेंडेड डोज इस सिरप की पैकिंग के ऊपर प्रिंट की हुई मिल जाएगी। और इस प्रिंट की हुई डोजिंग इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस सिरप की डोज 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए हाफ टेबल स्पून फुल, मीन्स 2.5 ml, 2 से 3 बार और 6 साल से लेकर 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए 1 tablespoon फुल, मीन्स 5 ml सिरप 3 से 4 बार दिन में ले सकते हैं। अब अगर बात करें एडल्ट डोज की, या जो बच्चे 12 साल से ऊपर हैं उनके लिए इस सिरप की 10 ml क्वांटिटी दिन में 3 बार या 4 बार लेनी होती है। फ्रेंड्स, ये हो गई इस सिरप की डोजिंग इन्फॉर्मेशन। लेकिन कभी भी किसी दवा का इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की राय जरूर ले लें, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस और एक्यूरेट डोजिंग शेड्यूल का होना बहुत जरूरी होता है। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करते हैं इस सिरप से होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में और इस मैकबेरी सिरप को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब अगर बात करें इस सिरप के साइड इफेक्ट की, तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि किसी भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट अमूमन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डेक्सट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरामफेनिकल मैलेट, फेनिलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड या मेंथॉल से किसी तरह की कोई एलर्जी है, तो उस पर्सन में कुछ कॉमन साइड इफेक्ट दिख सकते हैं, जैसे कि पेट दर्द, सर दर्द, भूख कम लगना, दिल की धड़कन का अचानक एबनॉर्मल होना, सांस लेने में तकलीफ, डायरिया, उल्टी और चक्कर आना। इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस कंडीशन में व्यक्ति को जल्द से जल्द अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को किडनी और लीवर संबंधित बीमारी है, या जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान मैकबेरी सिरप को अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की एडवाइस के बिना इस्तेमाल ना करें। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इस सिरप के आउटर पैकिंग की, तो ये मैकबेरी सिरप 100 ml के पैक में मिल जाएगी। और अभी ये जो 100 ml की सिरप है, इसकी MRP 100 rupees के नियर अबाउट है। ये सिरप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और शुगर फ्री फॉर्म में आती है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट भी खांसी आने की कंडीशन में इस सिरप का इजिली यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मैकबेरी सिरप से रिलेटेड कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।